वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। ब्रह्म मुहूर्त में गणेश और द्वार पूजा हुई। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार और श्री बद्री विशालदाल की जय के नारों के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस समय 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन हुआ। इसके बाद पुजारियों ने द्वार पूजा की। मंदिर का कपाट 3 चाबियों से खोला गया। कपाट खुलते ही पहले दर्शन अखंड ज्योति के हुए। ये 6 महीने से चल रही है। इसके बाद बद्रीनाथ पर चढ़ा हुआ घी से बना कंबल हटाया गया, जो 6 महीने पहले कपाट बंद होने के समय भगवान को ओढ़ाया जाता है। इस कंबल को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। मंदिर के कपाट पिछले साल 14 नवंबर को बंद हुए थे। चारधाम तीर्थ पुरोहित पंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती ने बताया कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक भगवान के बिना श्रृंगार के दर्शन होंगे, जिसे निर्वाण दर्शन कहते हैं। इसके बाद तकरीबन 8 बजे पहला जलाभिषेक होगा और पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम से होगी। इसके बाद 9 बजे बाल भोग लगेगा। दोपहर 12 बजे पूर्ण भोजन का भोग लगेगा। यही भोग ब्रह्म कपाल भेजा जाएगा। भोग पहुंचने के बाद ही वहां पहला पिंडदान होगा। मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पहले दिन दर्शन के लिए लगभग 20,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचे। 11 मई की रात से ही हल्की बारिश होने लगी थी। इससे पहले मौसम विभाग ने 11 से 13 मई तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए 9 मई की शाम तक कुल 6,83,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं। मंदिर कपाट का ताला 3 चाबियों से खुला। इनमें एक टिहरी राज दरबार, दूसरी चाबी बद्री मंदिर समिति के पास और तीसरी चाबी बद्रीनाथ धाम के रावल और पुजारियों के पास होती है, जिन्हें हकूकधारी कहा जाता है। इससे पहले 11 मई को सुबह भगवान बद्रीनाथ की टोली पांडुकेश्वर मंदिर से रवाना हुई। पालकी में गरुड़ जी और शंकराचार्य की गद्दी थी। पांडुकेश्वर मंदिर से टोली में कुबेर और उद्धव जी की चलित प्रतिमा भी शामिल हुई। डोली के साथ मंदिर के रावलीश्वरी प्रसाद नम बुद्री और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती थे। डोली 11 की शाम को मंदिर पहुंची। उत्तराखंड के चमोली जिले में ये मंदिर समुद्र स्तर से 3,133 मीटर की ऊंचाई पर बना है। हर साल करीब 10 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। मंदिर में भगवान विष्णु की बद्री नारायण स्वरूप की 1 मीटर की मूर्ति स्थापित है। इसे श्री हरि की स्वयं प्रकट हुई 8 प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए एक शांत और प्रदूषण मुक्त जगह की तलाश में यहां पहुंचे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।